अगर आज के बाद आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में से किसी भी शख्स का ऐसा कोई ट्वीट देखें जिसमें लिखा हुआ हो मर वेसूं सिंध ना देसूं, तो उनको होश मोहम्मद शीदी के मज़ार का ये क्लिप ज़रूर दिखाइएगा। मज़ार के सहन में गंदगी है, मज़ार के अहाते में गंदगी है, मज़ार के आस पास गंदा पानी खड़ा हुआ है, सीढ़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं, इफ्तिताह की तख्ती टूटी पड़ी है, मज़ार मुकम्मल तौर पर लावारिस महसूस होता है। तारीख थी 24 मार्च, साल था 1843। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दूबी की जंग हुई, जिसको बैटल ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद की जंग भी कहते हैं। यहाँ पर एक नारा लगा उस दिन, वो नारा था मर वेसूं सिंध ना देसूं। ये नारा लगाया था मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर, जिन्हें शेर सिंध भी कहा जाता है, उनकी फ़ौज के जनरल होश मोहम्मद शीदी ने। यह नारा सराय की ज़बान में था, जंग सिंध की थी, नारा सराय की ज़बान में लगा। उसकी वजह ये थी कि जिस ज़माने में ये जंग हुई और जिस ज़माने में टालपुरों की हुकूमत थी, उस वक्त इस इलाके में सिंधी के साथ साथ सराय की ज़बान बोली भी जाती थी और समझी भी जाती थी। होशु शीदी के नाम से मशहूर होश मोहम्मद शीदी का मज़ार हैदराबाद में मौजूद न्यू हैदराबाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास है। मज़ार के अलावा हैदराबाद में गोल बिल्डिंग के पास होश मोहम्मद शीदी का मुजस्मा बना हुआ है और कासिमाबाद में वाधुआ रोड पर एक फ्लाईओवर भी होश मोहम्मद शीदी के नाम से मंसूब है। ज़माना था जब ये प्रैक्टिस बहुत आम थी कि अफ्रीका से ग़ुलाम लाकर बेचे भी जाएं और एक दूसरे को तोहफे में भी दिए जाएं। तो जो ग़ुलाम अफ्रीका से एशिया आए, इस खित्ते में उन अफ्रीकन्स को शीदी कहा गया। तो शीदी कम्युनिटी का बेसिकली उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफ्रीका से था। होश मोहम्मद शीदी की कब्र के बारे में इख्तिलाफ मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि होश मोहम्मद शीदी की कब्र हैदराबाद के पक्के किले में है। मैंने पक्के किले में होश मोहम्मद शीदी की कब्र को ढूंढा भी और वहाँ के रिहायशियों से मालूम भी किया, लेकिन किसी को भी उस कब्र के बारे में मालूम नहीं था। दूबी की जंग मार्च 1843 में हुई, लेकिन इससे पहले टालपुर फरवरी 1843 में एक जंग मियानी के मकाम पर हार चुके थे। मार्च 1843 में मीरपुर खास के टालपुर शेर मोहम्मद खान टालपुर की सरबराई में जनरल होश मोहम्मद की क़यादत में इस मकाम पर आकर अंग्रेज़ों से लड़े। वो जंग मीरों के लिए आसान नहीं थी, टालपुरों के लिए आसान नहीं थी। अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी था, अंग्रेज़ों की क़यादत सर चार्ल्स नेपियर कर रहे थे, यहाँ से इनके क़यादत होश मोहम्मद शीदी कर रहा था। अंग्रेज़ फौजी तारीख दान मेजर जनरल विलियम नेपियर ने किताब फातह सिंध में इनका जिक्र किया होश मोहम्मद शीदी का नाम लिए बगैर कि एक शख्स दीवाना वार लड़ रहा था। और जब चार्ल्स नेपियर की फौज ने होश मोहम्मद शीदी को शहीद किया, तो शहादत के बाद भी होश मोहम्मद शीदी ने अपने हाथ से बंदूक नहीं छोड़ी। होश मोहम्मद शीदी की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वो शख्स चार्ल्स नेपियर, जो सिंध को फतह करने आया था, अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होश मोहम्मद शीदी की वफात के बाद उसको फौजी एजाज के साथ दफनाता है। दूबी की जंग, या जिसको हैदराबाद की जंग या हैदराबाद की लड़ाई भी कहा जाता है, वो जिस मैदान जंग में हुई थी, ये हिस्सा उसी मैदान जंग के अंदर था। इस जगह पर अब दो यादगारें मौजूद हैं। मेरे पीछे जो यादगार है वो बनाई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बन गई थी, और ये जो लोहे की आपको नज़र आ रही हैं जो चीज़ें, ये जंग का सामान था जो आज यादगार के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो यादगार आपको नज़र आ रही है, ये पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट की, इस जगह को रीस्टोर करने के लिए और होश मोहम्मद शीदी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोशिशों में से एक हिस्सा था, जो उन्होंने यहाँ पर ये यादगार बनाई। जिन लोगों ने सिंध के लिए अपनी जान दे दी, उन लोगों की याद में ये यादगार बनाई गई थी और ये जगह कायम की गई थी। लेकिन आज यहाँ आकर देखें, घास भरी हुई है,
कहीं से पत्थर टूट रहे हैं, कहीं से यादगार टूट रही है। ये जगह ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत भूल गई है, या तो इस जगह को भूल गई है, या शायद होश मोहम्मद शीदी या उस ज़माने में होश मोहम्मद शीदी के साथ अपने वतन के लिए जान देने वालों को भूल गई है। इस बारे में हुकूमत को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। अगर आज के बाद आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में से किसी भी शख्स का ऐसा कोई ट्वीट देखें जिसमें लिखा हुआ हो मर वेसूं सिंध ना देसूं, तो उनको होश मोहम्मद शीदी के मज़ार का ये क्लिप ज़रूर दिखाइएगा। मज़ार के सहन में गंदगी है, मज़ार के अहाते में गंदगी है, मज़ार के आसपास गंदा पानी खड़ा हुआ है, सीढ़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं, इफ्तिताह की तख्ती टूटी पड़ी है, मज़ार मुकम्मल तौर पर लावारिस महसूस होता है। इस मज़ार को देखने के बाद, इसकी हालत देखने के बाद, यादगार की हालत देखने के बाद, आसपास के इलाके की हालत देखने के बाद, जहन में सिर्फ गालिब का एक शेर गूंज रहा है, हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना गर्क दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता।